अस्सलाम वालेकुम। आज हम फाइनेंशियल बजटिंग एंड प्लानिंग के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अगर हम सिर्फ इस पेपर के सब्जेक्टिव पार्ट को कंसिडर करें तो ये चैप्टर बहुत अहमियत रखता है। कुछ सालों पहले तक इस कोर्स के सब्जेक्टिव पार्ट की प्रेपरेशन के लिए सिर्फ 3 चैप्टर करने पड़ते थे, जिसमें आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया, रिस्क एंड रिटर्न हो गया जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम करवाया था, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया। ऑलमोस्ट पेपर इन्हीं चैप्टर्स में से ही आता था, लेकिन प्रीवियस सेशंस में आप लोग देख सकते हैं कि थ्योरी को भी वेटेज दिया जा रहा है अच्छा खासा, लेकिन अभी भी इस चैप्टर से क्वेश्चन सब्जेक्टिव पार्ट में आते हैं। इसलिए ये चैप्टर अभी भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने इस चैप्टर को भी बाकियों की तरह डिफरेंट पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है ताकि आप लोग इजीली चीज़ों को समझ सकें। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है आपकी जो फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, जैसे आपकी बैलेंस शीट हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हो गई, जितनी भी हो गई, इसमें जो डेटा अवेलेबल है, जो नंबर्स अवेलेबल है, उसको यूज़ करते हुए हम कंपनी पे एक एनालिसिस परफॉर्म करें जिससे हमें कंपनी का पता चले कि क्या कंपनी एज कंपेयर टू अदर्स अच्छी परफॉर्म कर रही है या ख़राब परफॉर्म कर रही है। To use company's financial data for performing our analysis and for making important decisions. अब ये decisions कुछ भी हो सकते हैं, चाहे investment perspective से भी हम कह सकते हैं कि जैसे for example हम कोई investor हैं, हम ये analysis perform कर रहे हैं और इसके बाद हम ये decide करते हैं कि क्या इस company में investment करनी है या नहीं करनी। या तो हम कोई कंपनी के एम्प्लॉय भी हो सकते हैं जो ये चीज़ें परफॉर्म करते हैं, इसलिए कि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ वीक हैं और हमें क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट बेसिकली आपको बताती है कि आपकी कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और कितनी इक्विटी है। समरी ऑफ अ फर्म्स फाइनेंशियल पोजिशन रिगार्डिंग कंपनीज एसेट्स लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी ऑन अ गिवन डेट। इन सब चीज़ों को मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? जिस तरह से बैलेंस शीट आपके एसेट्स यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास इक्विटी, लोगों ने पैसा कितना लगाया, ये सब चीज़ें आपके बैलेंस शीट से पता चल रही होती है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट बेसिकली आपको बताता है आपके प्रॉफिट के बारे में, आपके इनकम कितनी जनरेट हो रही है और कितनी एक्सपेंसेस हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या है? समरी ऑफ अ फर्म्स रेवेन्यू या इनकम एंड एक्सपेंसेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है? इनकम स्टेटमेंट हमें बता रहा है हमारे इनकम, हमारी प्रॉफिट और एक्सपेंसेस के बारे में। और बैलेंस शीट हमें क्या बता रहा है? हमारे पास क्या है यानी कि एसेट्स, हमारी लाइबिलिटीज, हमें क्या क्या देना है और इक्विटी के लोगों ने कितना पैसा इस पे लगाया हुआ है। अब देखें एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स वो होती हैं कि क्या चीज़ें हमारे पास हैं जिसकी वैल्यू है। वॉट यू ओन एंड हैव वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई प्रॉपर्टी हो गई, आपने घर खरीदा, वो आपका एक एसेट हो गया। आपने कोई मशीन खरीदा, आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने फर्नीचर खरीदा, इवन आपने कोई कंप्यूटर खरीदा, आपने कोई ऑफिस का कोई सामान खरीदा, कुछ भी हो गया, ये सब आपका एक एसेट हो गया क्योंकि ये आप ओन करते हैं अब और इसकी एक वैल्यू है। ठीक है, अब एसेट्स जो होते हैं वो आपके पास दो किस्म के होते हैं। एक हो गया आपके पास करंट एसेट्स और एक हो गया आपके पास नॉन करंट या फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन ईयर। वो एसेट्स जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, आपने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की है जिसकी मेच्योरिटी लेस देन वन ईयर है, तो आपने कहीं पैसे लगाए हैं और आपको पता है एक साल के अंदर अंदर आपको इन्वेस्टमेंट्स के साथ प्रॉफिट के साथ आपको वो पैसा मिल जाएगा। आपने यानी कि कोई टर्म डिपॉजिट, कोई 2 साल 5 साल या इस तरह से आपने कोई पैसे नहीं फंसाए, एक साल के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आपका बैंक बैलेंस हो गया तो वो आपके पास रेडिली अवेलेबल होता है जब भी आप चाहो।
तो ये सारे आपके होते हैं करंट एसेट्स, यानी कि आपकी जो भी एसेट्स होते हैं फौरन आप उसको 1 साल के अंदर अंदर आप कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन करंट या फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू कैश विद इन 1 ईयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मशीनरी हो गई, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जैसे आपने 5 साल की कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई बॉन्ड्स खरीदे हैं, कोई कुछ भी किया हुआ है, तो जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं हो जाती आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 लाख 50 लाख जितने भी आपने पैसे लगाए वो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे अनटिल एंड अनलेस वो चीज़, वो जो आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी मेच्योरिटी ना आ जाए, या फिर आपने कोई मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी फ़ौरन ही आपको पैसे जनरेट नहीं करके देगी, उसमें भी आपको टाइम लगेगा। तो ये सब आपके फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट एसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज क्या होती है? व्हाट यू ओ टू समवन, दीज आर ऑब्लिगेशंस या डेब्ट्स दैट यू मस्ट पे समवन एल्स, ठीक है। ऐसी चीज जो आपने किसी और को पे करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी यूटिलिटी बिल्स हो गए, आपके लोन्स हो गए, आपने किसी से पैसे लिए हुए हैं और आपको उसको रिटर्न करने हैं, आपके टैक्सेस हो गए, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आपने पे करनी है किसी और को, ठीक है। अब इसमें भी दो होती हैं आपके पास, एक करंट लाइबिलिटीज हो गई, एक नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गई। करंट लाइबिलिटीज क्या हो गई? यू मस्ट फुलफिल योर डेब्ट या ऑब्लिगेशन विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपने पैसे देने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो गए, आपके यूटिलिटी के बिल्स हो गए, जैसे क्रेडिट कार्ड पे आपने कोई खर्चा किया, कुछ किया, 1 महीने के बाद आपको उसकी पेमेंट करनी है, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या हो गई? यू हैव मोर देन अ ईयर टू फुलफिल योर डेब्ट या ऑब्लिगेशन, फॉर एग्जाम्पल मॉर्टगेजेस या लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। यानी कि आपको 1 साल के बाद पेमेंट अगर करनी है तो वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई, सही है। अब बात कर लेते हैं इक्विटी की। इट टेल्स अस व्हाट्स द वर्थ ऑफ योर बिजनेस या कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल डेब्ट्स या ऑब्लिगेशन। ये हमेशा याद रखिएगा, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी होती है। तो अगर सिंपल हमको इक्विटी निकालनी है तो हम इसको वहाँ बेच के माइनस कर देंगे, यानी कि इक्विटी किस तरह से हम फाइंड करेंगे? टू फाइंड इट्स वैल्यू वी डिडक्ट टोटल लाइबिलिटीज फ्रॉम टोटल एसेट्स। इक्विटी इंक्लूड्स कंपोनेंट्स सच एज कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग, एडिशनल पेड इन कैपिटल एसेट्रा। ये सारी चीज़ें आपकी इक्विटी में आती है। मैं आगे जाके इस सबको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी इक्विटी में आती हैं। बैंक बैलेंस क्या होता है? बैंक बैलेंस आप लोगों को पता है, कंपनी का जो भी पैसा बैंक में है एक स्पेसिफिक डेट पे, ठीक है, उसे हम बैंक बैलेंस कहते हैं। अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? अकाउंट रिसीवेबल वो होता है जो पैसा आपने रिसीव करना है आपके कस्टमर्स से, जिन्होंने आपकी चीज़ें खरीदी हैं या आपसे सर्विस कोई ली है, लेकिन क्रेडिट बेसिस पे। अमाउंट ऑफ मनी द कंपनी विल रिसीव फ्रॉम इट्स कस्टमर्स हु हैव परचेज गुड्स या टेकन सर्विस ऑन क्रेडिट बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है और दूसरी कोई कंपनी ने आपसे फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट बेसिस पे, उसने आपसे पूरे अपने ऑफिस का फर्नीचर वगैरह खरीद लिया और उसने बताया कि ये सब करने के बाद जब मैं अपनी ऑफिस वगैरह लगा दूंगा तो तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने के बाद आपको टोटल पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो पेमेंट अभी नहीं हुई है ये टोटल की टोटल अमाउंट जाएगी आपके अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट में, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल में जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी, जो अमाउंट आ रही है, इसका मतलब ये वो पैसा है जिसकी आपने या तो सर्विस दे दी है या आपने उसको वो प्रोडक्ट दे दिया है और उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलना बाकी है, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या है? आपको पैसे मिलने हैं, तो ये आपका एसेट भी हुआ क्योंकि पैसे आपको मिलने हैं, ठीक है। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री का मतलब होता है जितनी आपके पास चीज़ें हैं, जिसमें आपका रॉ मटेरियल्स आ गया, आपका वर्क इन प्रोग्रेस आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस से मुराद आपकी जो जो चीज़ों पे काम अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन उस पे काम चल रहा है। फिनिश गुड्स हो गए, यानी कि आपकी प्रोडक्ट्स जो तैयार खड़ी हुई हैं।
ये सारी कंपनी के अंदर ये तीनों चीज़ें जो होती हैं आपकी इन्वेंट्री कहलाती हैं, ठीक है। ये भी आपका एक एसेट है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे ऊपर भी बता दिया है, एक एसेट्स है, ये क्या होती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 1 ईयर और लेस, ठीक है। ये ऊपर ही मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रीपेड यानी कि पहले से पे किया हुआ है, अमाउंट ऑफ मनी पेड इन एडवांस फॉर गुड्स या सर्विसेज टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। हमने किसी चीज को पाने के लिए पहले ही उसकी पेमेंट कर दी, जैसे आपका रेंट हो गया, रेंट की आप पेमेंट पहले करते हैं फिर आप उस घर में रहते हैं। इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस का आपने प्रीमियम पे कर दिया, अब आपको इंश्योरेंस का वो पूरा टाइम मिलेगा, पूरे टाइम पीरियड पे आपको इंश्योरेंस मिलेगी। इस सारी चीज़ों पे आप क्या करते हैं, आप पहले पेमेंट कर देते हैं, तो ये भी आपका एक एसेट होता है, ठीक है, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया, अब इसकी सर्विस आपको मिल रही है, तो ये आपके क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ हम अपने पहले पार्ट को ख़त्म करते हैं। हमने इसके अंदर बैलेंस शीट को डिस्कस किया, हमने इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें मज़ीद चीज़ें आएंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इस पार्ट को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होगी, अगले पार्ट में हम दोबारा इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।